नमस्ते बालाजी, हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर देखेंगे अगर ये कोई एक्शन लेता है आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या हो सकता है, और फिर लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। देख लेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं और ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्रॉस वॉच भी इसे वॉच कर सकते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे पहले जेमिनाई, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बंदा या बंदी जो भी है ये एक तो अपने बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते के बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ रिश्ते को लेके इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। आपके साथ इनका जो सोल कनेक्शन है ना जेमिनाई, ये उस बात को फील कर रहे हैं और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 72 घंटे में हो सकता है आपको कुछ ऐसा ऑफर कर दे, चलो हम घूमने चले जाते हैं, मुझे बहुत आपसे मिलने की मन कर रहा है, ये वो जो होता है एक स्टेबल ऑफर के साथ ये बंदा आपके तरफ आने के लिए सोचेंगे इन 72 घंटे में। लेकिन ये जो फील कर रहा है, जो कर रहा है, ये आपको उतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये खुद को कंट्रोल भी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, इनको पता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, इनका इमोशन ओवरफ्लो भी हो रहा है, ये उतावले भी हैं आपके साथ मिलने के लिए, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन देखो कितनी बुद्धिमान बंदा या बंदी है ये, कोई सजिटेरियस कोई लियो हो सकता है, ये अपने आप को अपने अंदाज से पेश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर लड्डू फूटता रहता है, जैसे मन में लड्डू फूटा। एक ऐड आता है ना, कि आता था ना कुछ दिन पहले, वो चॉकलेट खा के बोलता है मन में लड्डू फूटा, तो लड्डू तो इनके मन में फूटेगा इन 72 घंटे में। ये कोशिश भी करेंगे आपकी तरफ आएंगे भी, हो सकता है आ भी जाए, इमोशन ओवरफ्लो भी होगा, लेकिन खुद को कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे कि आपको देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको तो पता ही है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। कोई कैंसर हो सकता है आपके पर्सन, कोई सजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जेमिनाई आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स, आप भी तो पार्टी शार्टी घूमना फिरना मौज मस्ती, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे,
ये भी आपके तरफ आ यार स्ट्रेंथ के कार्ड, कोई एरीज लियो सजिटेरियस मैंने पहले कहा, कोई कैंसर स्कॉर्पियो, कोई टॉरस हो सकता है, जो भी हो जिस भी राशि के हो, हाइलाइटेड राशि जो है वो लियो है। ये आप जो हो भाई, आप भी अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, आप भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, आप भी उनके तरफ जाने के बारे में सोचोगे, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मिलके पार्टी देना पार्टी लेना, वक्त को एंजॉय करना, एक साथ अच्छे पल गुजारना, इसके लिए आप मतलब बिंदास तरीके से आप रिश्ते को जीने के बारे में सोचोगे। अगर कोई परेशानी था भी तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक पावर के साथ रिश्ते में आना चाहते हो, आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि स्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी परिस्थिति हो, रिश्ते में इसका कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो हो दोस्ती भरा मूड में रहना चाहते हो, पार्टी शार्टी करना, जैसे कि ये जितना गंभीर मूड में आपको दिखाएंगे कि भाई मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है ये सब में, और आप उतना ही उछल कूद के सब करने के बारे में सोचोगे, घूमने जाना है चलो घूमने जाते हैं, और ये बोलने के लिए करने के लिए भी आप अपने अंदर हिम्मत ला रहे हो। हो सकता पहले आप डरते थे ये सब बोलने में, लेकिन अभी इन 72 घंटे में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप डरोगे नहीं, आप अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, इनको खुश करने की कोशिश करोगे, कुछ नया एक्शन के बारे में आप सोचोगे। अगर दोस्ती रिश्ता अगर था भी है भी मतलब परेशानी भी है, तो आप उसको इग्नोर करके नए कुछ करने के बारे में आप इन 72 घंटे में कोशिश जरूर करोगे, और ये करने के लिए आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों की लाइफ में 8 नंबर का कोई महत्व हो सकता है, देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो वो क्या एक्शन लेंगे। जमिनाई, आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है, ये तो एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहा है, आ रहा है, साथ ही आप भी सोच रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करने जा रहा है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कभी उनको लगता है कि ये दौड़ के जाके आपसे मिल ले, कभी उनको लगता है नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, जो भी करेंगे ये सही सोच के साथ आपके तरफ आएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपने इस उतावलेपन को ये दिखाएंगे नहीं, और ये जस्टिस आपके साथ भी करेंगे भाई, खुद के साथ भी करेंगे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये इंडिसाइसिव है, कभी लगता है कि दौड़ के आके आपसे मिल ले, कभी लगता है नहीं थोड़ा रुक जाना चाहिए, जो भी करेंगे, जो भी ये पहले नहीं किए थे, जो भी उनको लगेगा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड के कार्ड है, घूमना फिरना, अपने आप को एक चेंज करने की तरीके से ये आपके लाइफ में आएंगे, और सोचेंगे कि जो हुआ है भाई उसे भूल जाएं दोनों के दोनों, हो सकता है गलती दोनों का था, हो सकता है उनका खुद का गलती था, तो इन चीज़ों को ये भूलने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ये रेस्टलेस है आपसे मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये दिखाएंगे नहीं, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन उनका एक परेशानी है, उनको लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, इस बात का थोड़ा गिला शिकवा जिसे बोलते हैं इनको है, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोगों के रिश्ते में बाहर वाले की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, हो सकता है बाहर के लोग बेकार के लोग रिश्ते में आके रिश्ते को ख़राब करते हैं, या फिर उनके तरफ से हो या आपके तरफ से, ये उन लोगों को अभी अवॉइड करेंगे, और अपने दिमाग से सोच समझ के आपके साथ भी और इस रिश्ते के साथ भी ये जस्टिस जरूर करेंगे। आप लोगों की लव रिलेशन में मुझे लगता है 11 नंबर, 8 नंबर,
का कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, टेम्परेंस, परेशानी जो हुआ था दूसरों की वजह से उसको आपको भूलना पड़ेगा, अपने अंदर बैलेंस रखनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। हैंगवन, जो चीज आप दूसरों की नजर से देख रहे थे अभी आप उसे अपने नजर से देख रहे थे, अपनी तरीके से देख रहे थे, उसे दूसरों की नजर से देखना पड़ेगा। टेन ऑफ कप्स, अगर आप इन तरीके से सोचते हो तो आपका जो रिश्ता है वो एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप पहले से ही फैमिली में हो तो, अगर नहीं हो तो भी अगर आप इनके साथ एक फैमिली देख रहे हो तो उसमें ये कन्वर्ट हो सकता है। आप लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप लोगों की रिश्ते में एक तो 8 नंबर, 10 नंबर, 12 और 14, इन सारी नंबरों का कोई फंक्शन हो सकता है। हो सकता है इस नंबर से आप लोगों का 10, इन सारे 11, इन नंबर से आप लोगों की रिश्ते में कोई कुछ घटनाएं घटी होगी। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप लोग मिले थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, अगर आप सैक्रिफाइसेस के मूड में हो, सैक्रिफाइस करना चाहते हो, अगर आप खुद रिश्ते को स्टक नहीं बनाते हो तो ये रिश्ता 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है, आप लोगों पर। इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, समझदारी से रिश्ते को चलाना पड़ेगा और रिश्ते में बैलेंस भी लानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।